वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। और एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं नए अवतार में, जैसा कि आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लिया है, नई फैकल्टी के साथ वही पुराना चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। तो आज से क्लास 12th के बच्चों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। और जो सबसे फर्स्ट लेक्चर आज अपलोड होने वाला है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चे बहुत डरते हैं, क्लास 11 में बहुत परेशानी लगती है उनको, इन्होंने भैया ट्रिग्नोमेट्री ना, ट्रिग्नोमेट्री से तो दूर ही रहना है। अब ऐसा कुछ नहीं है, सारी दिक्कतें दूर होने वाली हैं, क्योंकि अब मैं डील करने वाला हूं, मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी सारी चीजें आपको अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पे। और इंट्रोडक्टिव वीडियो तो आप लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा, इंतजार था आप लोगों को सब चीज का, तो अब आपको आज से शुरुआत हो गई सारी चीजों की। और अब कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे एक के बाद एक। तो आज इसी सीरीज में नंबर 1 पे आज स्टार्ट होने वाला है जो लेक्चर वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका फर्स्ट नंबर पे है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक, सबसे पहले एक चीज पे ध्यान देते हैं कि है क्या चीज, ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिया जाए ड्रॉपर से येलो कलर। सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि ITF है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है बेटा ITF। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ इस तरीके से है, आप जैसे समझे, जैसे आप ये समझिए साइन इनवर्स एक्स है, ये कॉस इनवर्स एक्स है, ये सब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अगर मैं इसको डील करूं तो ये क्या चीज है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आप इसको ये नहीं लिख सकते कभी भी, साइन एक्स टू द होल पावर माइनस वन, आप इसको समझिएगा, आप इसको कभी भी साइन एक्स की पावर माइनस वन नहीं लिख सकते, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, आप इसको कभी भी वन अपॉन साइन एक्स नहीं लिख सकते, ये दो चीजों पे आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स को आप साइन एक्स की पावर माइनस वन नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल, इस बात पे आपको श्योर रहना है। साइन एक्स इनवर्स एक्स को आप वन अपॉन साइन एक्स नहीं, अच्छा यही एक इनवर्स के साथ नहीं है, ये सारे इनवर्स के साथ यही चीज अप्लाई होती है, हर एक इनवर्स के साथ। अब जैसे कि मैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करूं तो कॉस इनवर्स एक्स के साथ ये चीज अप्लाई होती है कि आप इसको क्या नहीं लिख सकते हैं, कॉस एक्स टू द होल पावर माइनस वन, आप इसको क्या नहीं लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस एक्स नहीं लिख सकते। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, इस पर आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर इसको नहीं कह सकते बच्चों तो क्या बोलना चाहिए फिर, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने अच्छी बात कही। जैसे मान लो साइन एक्स की पावर इक्वल टू लिखा है 1/2, तो आप एक्स को लिखेंगे क्या, आप एक्स को लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। मतलब जब साइन एक्स है, साइन हो या कॉस हो या टैन, कॉट से कॉसेक, एक साइड से जब दूसरी टाइम साइड जाएंगे तब वो इनवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी साइन एक्स इक्वल टू अगर 1/2 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। और इसको आप ये समझिए कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 है, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 है, तो साइन में 1/2 जो वैल्यू है वो किसकी होती है, 30 डिग्री की, यानी कि पाई बाई सिक्स, ये चीज आपके पास आ चुका है पाई बाई सिक्स। अब जैसे कि लिखा है एक्स इक्वल कॉस इनवर्स √3/2, तो आपको ये समझना है कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 है, तो कॉस में √3/2 वाली किसको, 30 डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा पाई बाई सिक्स। जैसे मान लो लिखा हुआ टैन इनवर्स 1, टैन इनवर्स 1 का मीनिंग क्या है, टैन में किसकी वैल्यू 1 है, यानी कि पाई बाई 4,
टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन इनवर्स रूट थ्री क्या हो जाएगा, टेन में किसकी वैल्यू रूट थ्री है, तो टेन में किसकी वैल्यू रूट थ्री होती है, 60 डिग्री की, यानी कि पाई बाई। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको हम लोग डिस्कस करके आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जितना भी बेसिक पार्ट है वो सबको डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, जैसे साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, वो भी मैं लिखाऊंगा। अगर आपको क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको कराएंगे, डिटेल में कराएंगे। अगर आता है तो अच्छी बात है, देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, सब कुछ आपको यहाँ पे कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, डिटेल में करेंगे। ये केवल एक सब्जेक्ट के साथ नहीं है, ये चीज हर एक सब्जेक्ट में चलेगी। सबसे पहले यहाँ पे अब आ जाता है डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहली चीज देखिए, डोमेन, और यहां पर है रेंज, ठीक है ना, डोमेन एंड रेंज। अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं तो यहां पर पहले तो आप देखिए, मैं दो तरीके से इसको कैटेगराइज कर रहा हूं। फर्स्ट ब्रांच में साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। फर्स्ट में आ जाएंगे साइन टैन कॉसेक। सेकेंड ब्रांच में क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। फर्स्ट ब्रांच में साइन टैन कॉसेक है, सेकेंड ब्रांच में कॉस कॉट सेक, साइन टैन कॉसेक, कॉस कॉट सेक। हाँ, अभी चीज को समझना है, एक चीज याद रखिए, पूरी ITF में केवल और केवल दो तरीके की रेंज होती है फुल ITF में। एक होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और एक होती है जीरो से पाई। तो ये जो फर्स्ट ब्रांच है जिसमें मैंने साइन टैन कॉसेक लिखा हुआ है, ये देखो सबके अपने अपने अलग अप्रोच होती है, अलग अलग मेथड होते हैं। जैसा कि अगर आप बुक में देखें तो बुक में कोई एक अरेंज ऑर्डर नहीं है, उसमें डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। उसमें कई बार होता है बच्चे भूल भी जाते हैं कि किसकी क्या रेंज है, किसकी क्या डोमेन है, लेकिन जो मैंने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है इसको, मैंने जिस तरीके पैटर्न पे इसको लिखा है, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो साइन टेन कॉसेक फर्स्ट ब्रांच, कॉस कॉट सेक सेकंड ब्रांच। जो फर्स्ट ब्रांच है ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू वाला पार्ट है रेंज के लिए, और जो सेकंड ब्रांच है वो जीरो से पाई वाला पार्ट है। यानी कि मैं इसको क्या कहूंगा, ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट ब्रांच है ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी कि फर्स्ट में आपको पूरी लेंथ लेनी है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सेकंड में आ जाएगा ओपन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, थर्ड में आपको इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं लेनी है, यानी कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस सिंगलटन जीरो, ये वाला पार्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ब्रांच की बात करूं तो सेकंड ब्रांच में आएगा जीरो से पाई, ये आएगा ओपन जीरो टू पाई, ये आएगा क्लोज जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू। ठीक है ना, मतलब मिड वैल्यू। तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आएगा, ओवरऑल आपको नहीं बहुत ज्यादा समझना है तो आप बेसिक तौर पे बस इतना समझ लें कि जो फर्स्ट ब्रांच यानी कि साइन टेन कॉसेक है उसमें होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और जो सेकंड ब्रांच है कॉस कॉट और सेक उसमें होता है जीरो से पाई। फर्स्ट में जीरो से पाई क्लोज, सेकंड में जीरो से पाई ओपन, फिर जीरो से पाई और इनके बीच की मिड वैल्यू यानी कि पाई बाई टू, उसको भी नहीं लेना है, उसको आपको हटा देना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और, आप अगर ध्यान से देखो, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे कि एफ ए टू बी कोई फंक्शन लिखा हुआ है, f a to b एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो अगर मान लो मैं इनवर्स करूंगा तो इनवर्स के केस में ये क्या हो जाएगा, b to a हो जाएगा। यानी कि अगर मैं fx लिखूं sin x, तो sin x का जो रेंज है वही इनवर्स के लिए क्या बन गया है, डोमेन।
यानी कि साइन एक्स की अगर रेंज माइनस वन से प्लस वन होती है तो वही इनवर्स के लिए क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी माइनस वन से प्लस वन। ये चीज आपको ध्यान देनी है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डोमेन तो ये हो जाएगा माइनस वन से प्लस वन, ये भी हो जाएगा माइनस वन से प्लस वन। टैन इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो टैन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। कॉसेक की बात करें तो ये हमेशा वन को साइन का उल्टा होता है, तो वन से बड़ी वैल्यू रहेगी और माइनस वन से छोटी, तो वही इनवर्स का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनिटी, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पाए, जिसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी अपने को अभी खास जरूरत है, तरीका आप सीख गए हैं। हाँ, एक चीज और है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं ध्यान देना चाहिए। क्या है देखे जरा, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर यहां पर बात करी जाए इसकी, जैसे फर्स्ट ब्रांच में मान लो माइनस लगा है, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है, टैन इनवर्स माइनस एक्स है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, साइन टेन कॉसेक, और इसी तरीके सेकेंड ब्रांच की बात करें कॉस कॉट और सेक। हमेशा इस चीज को आप याद रखें कि जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच में अगर माइनस लगा है तो इस बात की 100% गारंटी है कि माइनस बाहर आ जाएगा। इसीलिए मैंने देखो एक बार में कैटेगराइज किया, कैटेगराइज करने से यही एक बेनिफिट है कि आप भूलते नहीं। अब जैसे कि जैसे बुक के तरीके से आप करोगे तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे, इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूं, और मैं यहां पे इस बात में भी अश्योर कर रहा हूं कि जिस पैटर्न में मैंने लिखा है साइन टेन कॉसेक कॉस कॉट सेक, आप इस पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप अगर एक महीने बाद भी इसको रिवाइज करेंगे तो भी आपको चीजें इजिली समझ में आएंगी, और आप इसको भूलोगे तो बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ब्रांच में अगर माइनस लगा है तो माइनस चला जाएगा आउटसाइड, यानी ये बनेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा। हाँ, सेकंड ब्रांच में जब माइनस लगता है तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक बार आप ये पूरी डिटेल नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसी के बेस सारे क्वेश्चन है हमारे। अब इन जितना मैंने डिटेल बताया है इसको आप चाहे तो बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों को डार्क भी कर लेना चाहिए, हाईलाइट कर लेना चाहिए। ये हमारा डोमेन रेंज का हिस्सा है, तो मेरे ख्याल से अब तक आप सभी बच्चों ने नोट भी कर लिया होगा, और नहीं तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से बाद में नोट। आज बारी आती है इनके से जो रिलेटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। ये जो यूट्यूब चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब जितना भी बोर्ड में सफिशियंट होता है वो फुल कंटेंट आप और भी यूट्यूब चैनल में जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी में देखें, तो आपको एक कंटेंट ऑर्गेनाइज तरीके से बिल्कुल वे में नहीं मिलेगा बोर्ड का। यहाँ पर एक बेनिफिट आपको ये होने वाला है, वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ्स हो या बायोलॉजी, आप कोई भी एक सब्जेक्ट को उठा करके देखेंगे तो जिस ऑर्डर में एग्जैक्ट पढ़ना चाहिए उसी ऑर्डर में सारी चीजें हैं। इसके बाद बोर्ड में जो स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको यहीं पर कराए जाएंगे, और जैसा कि हम लोगों ने वादा किया है आपसे कि ये तब तक चलेगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कहीं ढूंढना पड़े। कई बार होता है कि बच्चे सर्च करते हैं,
वैसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अगर कोई चैप्टर लिखा है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, बायोलॉजी का हो, तो उसमें जितनी प्लेलिस्ट में बनी है वो सफिशियंट है, मतलब वो मोर देन इनफ है, सफिशियंट से भी ज़्यादा है आपके लिए। और अगर आप उतना करके जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बोर्ड्स में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तो बहुत से बच्चों ने कर भी दिया होगा सब्सक्राइब। तो चलिए इसको लेक्चर को और कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, बस आपको ध्यान ये देना है किस ब्रांच का फर्स्ट ब्रांच है कि सेकंड ब्रांच है। जैसे लिखा हुआ साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब साइन इनवर्स माइनस 1/2 है तो ये फर्स्ट ब्रांच का है, तो फर्स्ट ब्रांच में माइनस आ जाता है बाहर, यानी कि आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? 30 डिग्री की। माइनस बाहर है ये, यानी कि क्या आ जाएगा? पाई बाई 6। टैन इनवर्स माइनस 1, टैन भी फर्स्ट ब्रांच का है तो माइनस बाहर आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम माइनस वाले होते हैं इसलिए माइनस वाले को मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो माइनस ऑफ पाई बाई 4। अब इसमें माइनस लगा नहीं है तो कॉस इनवर्स 1/2। तो आप बस को इस पे ये इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो 1/2 है, 1/2 में किसकी वैल्यू, मतलब कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये जो आप 1/2 देख रहे हैं ना, आप इस पे फोकस करिए, कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। माइनस लगा नहीं है, बच्चे जल्दबाजी में माइनस को बड़ा फील करते हैं, कहीं अरे माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस लगा देते हैं पाई माइनस। तो भैया यहाँ पे जब माइनस नहीं है तो आप पाई माइनस नहीं कर पाएंगे, इस चीज को भी आप ध्यान दें। यानी कि क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 1/2, तो यानी कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, कॉस में केवल और केवल 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि आ जाएगा पाई बाई 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया और ये हो गया इस पार्ट का आंसर। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये वाले क्वेश्चन, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पहले इसको लिखते हैं अच्छे से। साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स √3/2, इसको पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में कर दिएगा, इसको हम लोग पार्ट में करेंगे। कैसे पार्ट्स में करेंगे? पहले आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। आप ये देखो कि साइन इनवर्स √3/2 लिखा है, तो साइन में किसकी वैल्यू √3/2, तो साइन में वैल्यू होती है 60 की √3/2, यानी कि हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस ऑफ, ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3। तो साइन ऑफ कॉस 60 यानी कि 1/2। अभी आ गया कॉस 60, सॉरी साइन इनवर्स 1/2। साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6। तो ये ओवरऑल हमारा रिजल्ट आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स माइनस 1/2। अच्छा देखो, कॉस इनवर्स 1/2 है तो कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी कि पाई बाई 3। माइनस का 2। साइन इनवर्स ये किस ब्रांच का है? ये फर्स्ट ब्रांच का है। अगर फर्स्ट ब्रांच का है तो माइनस कहां चला जाएगा? माइनस इसका आ जाएगा आउटसाइड, यानी कि ये फॉर्म कर देगा प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अगर ये 1/2 है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, पाई बाई 3। साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? 30 डिग्री की, यानी कि पाई बाई 6। यानी क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, यानी कि ओवरऑल जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 2 पाई बाई 3। और बेटा आप लोग ये लास्ट वाला तो ट्राई कर ही सकते हैं,
तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ उसको। ओनली विद इन 1 मिनट, 1 मिनट का मैं केवल आपको टाइम देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिए। जो रेंज है वो होती है माइनस पाई बाई टू से
प्लस पाई बाय टू। यानी कि साइन इनवर्स एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, वो है पाई बाय टू। पाई बाय टू से तो बड़ा हो नहीं सकता, वो कुछ भी लिखा, साइन इनवर्स टेन लिखा, हंड्रेड लिखा, उससे अपने वो फर्क ही नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू जो है, अब 10 100 ये ना कह देना कि माइनस वन से वन होती है डोमेन, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ कि जो भी रेंज आएगी साइन इनवर्स एक्स की, जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा है, साइन इनवर्स वाई लिखा है, साइन इनवर्स जेड लिखा है, साइन इनवर्स टी लिखा है, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आएगी, पाई बाई टू। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, टू पाई। तो बेटा ये टू पाई पॉसिबल तभी पॉसिबल होगा, ओनली पॉसिबल वेन All becomes pi by 2. क्योंकि pi by 2 से बड़ी वैल्यू होती है। हाँ, अगर इससे कम होता तो हम अश्योर नहीं कर सकते थे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तब फिर कोई श्योरिटी नहीं थी, लेकिन अभी फिलहाल इसकी श्योरिटी हो चुकी है। जो साइन इनवर्स x है ये pi by 2 ही आएगा, साइन इनवर्स y की जो वैल्यू है ये भी क्या आएगी, pi by 2। साइन इनवर्स जेड है इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पाई बाई टू, और साइन इनवर्स टी की वैल्यू भी क्या आएगी, पाई बाई, ये कंफर्म है। हाँ भैया, अगर ये कंफर्म है तो फिर अब एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू भी निकाली जा सकती है क्या? बिल्कुल निकाली जा सकती है। कैसे निकालेंगे ये अब आप देख लीजिए। तो देखो, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है, तो जो x है ये क्या हो जाएगा, जाकर के sin pi by 2, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। y क्या हो जाएगा, sin pi by 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। y इक्वल हो जाएगा sin pi by 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। y इक्वल हो जाएगा sin पाई बाई टू जेड हो जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऐसे टी की बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू, साइन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी कि एक्स वाई जेड और टी सबकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। अगर सबकी वैल्यू 1 आ चुकी है तो सबकी वैल्यू को आप यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, ये तो कंफर्म है ना कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, वो तो चेंज नहीं होता। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1, यानी कि ओवरऑल जो ये रिजल्ट है, वैल्यू है, वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और यही हमारा हो चुका है आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई कि हम लोग किस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अरे, जैसे एक क्वेश्चन मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, इसमें आप ट्राई करिएगा एक बार। जैसे कहा जाए, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स y cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों, आप एक लोग एक चीज ये समझिए कि cos इनवर्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, रेंज की मैं बात कर रहा हूं, 0 टू पाई, 0 टू पाई। तो cos इनवर्स x की जो रेंज है वो क्या है, 0 से पाई, पाई से बड़ी नहीं हो सकती। अब यहां पर लिखा है 3 पाई और यहां पर 3 है भी है, तो चाहे cos इनवर्स x हो, चाहे cos इनवर्स y हो, चाहे cos इनवर्स z हो, तीनों की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, केवल पाई ही हो सकती है, पाई से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो दिस पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस पॉसिबल
ओनली व्हेन ऑल बिकम्स पाई. क्या हो गया? पाई हो गया. यानी कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई. कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई. कॉस इनवर्स जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बनेगा जाकर के हमारे लिए x इक्वल टू कॉस पाई, y इक्वल टू कॉस पाई, z इक्वल टू कॉस पाई. और कॉस पाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? माइनस वन आ जाएगी. इस चीज को आप याद रखिएगा. ये भी माइनस वन और ये भी क्या जाएगा? तीनों माइनस वन आ जाएंगे. तो कॉस इनवर्स आप जब तीनों माइनस वन में आएंगे आप उसको निकाल भी लेना, आराम से निकाल सकते हो. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कॉस इनवर्स एक्स के. अच्छा वैल्यू अपने को किसकी निकालनी है? इस वाले पार्ट में निकालनी है. एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, यानी कि माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन, यानी कि वन प्लस वन प्लस वन. ओवरऑल क्या जाएगा? थ्री. क्या जाएगा? तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाएंगे कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते. तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते. तो आज के इस लेक्चर से ही आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम लोग आगे किस तरीके से टैकल करने वाले क्लासेस को और कैसे डील करने वाले हैं. तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो इसको अपने क्लासमेट्स के साथ आपको क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए. और अपने इस यूट्यूब चैनल का नेम क्या है बच्चों? साउथ सिटी पीसीएमबी. अच्छा पीसीएमबी तो एक स्लोगन टाइप से है. क्यों? क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी बेस्ट फैकल्टी से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है. और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी. और जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपसे कि जो ये फुल सिलेबस आपको मिलेगा यहाँ पर, और वो भी कैसे? ईयर लॉन्ग मिलेगा. ऐसा नहीं कि कुछ आपको कहीं और ढूंढना पड़े और कुछ कहीं और, यहीं पर एक ही यूट्यूब चैनल में आपको सारी चीजें मिलेगी. तो आज के इस लेक्चर में इतना ही. अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं. बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, कुछ नई क्वेश्चंस के साथ, एक नई एनर्जी के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. अपना ध्यान रखें.